डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, दो एक्सरसाइज खत्म हुए। नेक्स्ट टाइप सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तक हमने क्या सीखा है, डिग्री एंड ऑर्डर आइडेंटिफाई करना, मतलब उसमें से ढूंढना कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, मतलब जो इक्वेशन दी है, फंक्शन दिया है, हम देखते थे कि दिस फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे दिया देखा था। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में क्या किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो देखा था। ओके, वो मेथड थी बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, यहां तक हुआ। अब हमने ये देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, बट अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन उन्होंने दिया है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उल्टा करना है, मतलब जैसे हमने सॉल्यूशन से, मतलब इक्वेशन से, फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन से वो फंक्शन बनाएंगे, क्लियर, उल्टा जाएंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मेथड है ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, वेरिएबल मतलब ये होता है एक्स वाई, इनको सिर्फ सेपरेट करते हैं। देखो ऐसा एक क्वेश्चन होगा, समझो एक एफ एक्स है, ये फंक्शन है, उसके नीचे भी जी ऑफ वाई होगा, फंक्शन ऑफ वाई, और अगर इक्वल टू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स दिया होगा तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करना है, मतलब क्या करना है, इस dx के साथ x वाला ही टर्म होना चाहिए, तो dx उस तरह हो जाएगा, तो fx into dx, ये समझा। ओके, और इस dy के साथ y वाला टर्म होना चाहिए, क्लियर। इसके बाद देखो हमें फंक्शन देते थे, उसका डेरिवेटिव निकाल के हम डिफरेंशियल फंक्शन बनाते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे, क्लियर। इस प्रोसेस में हम क्या करते थे, पहले डेरिवेटिव करते थे, मतलब उसके बाद हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। अब हमें ओरिजिनल फंक्शन के पास जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, ये पता है ना, एंटी डेरिवेटिव, ये मुझे पता है ये डेरिवेटिव है, ये किसका तो डेरिवेटिव है, तो मुझे ओरिजिनल फंक्शन चाहिए तो उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्लियर। अब देखो ये dx के साथ x है तो इसका इंटीग्रेशन आएगा, लेट्स से समझते हैं ऐसे कैपिटल fx आता है, इसका भी कैपिटल gx आया, gy आया, ऐसा अज्यूम करते हैं। ओके, और ये प्लस बी, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर, ठीक है। एक दो एग्जांपल लेते हैं, एक सॉल्व एग्जांपल उठा दे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सॉल्व एग्जांपल ये अच्छे से दिया, dy / dx इज इक्वल टू 1 प्लस y अपॉन 1 प्लस x। इसमें पहले क्या करो, dy / dx को तोड़ो, सेपरेट करो, तो मैं dy इस तरफ लिखता हूं और ये 1 प्लस y 1 अपॉन x, 1 प्लस y 1 प्लस x, और इस तरफ dx लिखता हूं। ओके, अब ढूंढो कि dx के साथ x वाला टर्म है ये है बट ये नहीं चले, तो ये किस तरह जाएगा, यहाँ पर। ओके, सो ये 1 अपॉन 1 प्लस y बन जाएगा और ये dy is equal to 1 upon 1 plus x और ये dx, ये समझा। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या आया, कैसे लिखते हो इसका इंटीग्रेशन, चलो वो जान लेते, इसका इंटीग्रेशन क्या आया, इसका डेरिवेटिव ऊपर है ना, 1 का 0 x का 1, तो कोरोलरी याद आई, log 1 plus x, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम आएगा ना, log 1 plus 1 विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है, आगे से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, समझ में आया, ऐसे सॉल्व करना है, एकदम इजी है, आराम से करो, ये रफ कर देता हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करते हैं, 8.3 उसमें से क्वेश्चन 1 देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 1 में dy / dx is equal to x square y plus 1, ओके, पहले क्या करो, इनको सेपरेट करो, तोड़ो इनको, तो dx इस तरफ आया, x square y plus 1 dx, अब देखो dx के साथ सब x वाले टर्म है, नहीं y नहीं चाहिए मुझे, तो मैं y को कॉमन निकालता हूं, तो dy / dx, ये y कॉमन निकाला, तो x square plus ये 1 dx, ये समझा, y गया x पर बचा, यहां से y गया तो y बचा, ठीक है। अभी भी मुझे ये y यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे कौन है dx, तो ये उस तरफ गया, तो 1 upon y dy,
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब करेक्ट है, डीवाई के साथ वाई, डी एक्स के साथ एक्स, अब इंटीग्रेट कर सकते हो, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ओके, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, ये वन अपॉन वाई डी वाई, इस तरफ इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। आराम से सोच के बता, वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन, वन अपॉन एक्स का क्या होता है log x, वही है सर, वन अपॉन एक्स का log x ना, तो ये log y, समझ में आया? ओके, हाँ, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यहाँ पे log नहीं लगेगा, एक्स स्क्वायर का वन, टू एक्स डेरिवेटिव होता है x, एक्स क्यूब अपॉन थ्री, वेरी गुड, वन का जीरो x, हाँ, आगे प्लस सिक्स, खत्म, ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन टू, तेरो लिखो मत, लिखो मत, एक क्वेश्चन और एक करते हैं, ये दिया है डी थीटा अपॉन डी एक्स दिया है, डी एक्स नहीं सॉरी डी टी दिया है, और माइनस के थीटा माइनस थीटा जीरो, ओके, थोड़ा सा अलग दिया, ये डी टी इस तरफ ले गया, सो डी थीटा इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा जीरो इंटू डी टी, डी टी के साथ टी वाला टर्म है नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे किसके साथ भेजना है इसको, डी बीटा के साथ, तो ये मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड करेगा ना, सो वन अपॉन थीटा माइनस थीटा जीरो इज इक्वल टू माइनस के, सॉरी ये डी बीटा बचा रहा यहाँ पे माइनस के डी टी, ठीक है, अब देखो डी टी के साथ टी वाला टर्म नहीं है, डी बीटा के साथ थीटा वाला टर्म है, चलेगा, इसके साथ कुछ नहीं चलेगा, इसका इंटीग्रेशन आता है, मुझे इतना तो पता है कि dx का इंटीग्रेशन x आता है, सिंपल dx होगा तो भी, क्यों यहाँ पे वन एज्यूम करता हूँ, समझ में आया, वैसे ही करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो वन अपॉन थीटा माइनस थीटा जीरो डी थीटा इज इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट है बाहर रख दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी लिखता और कुछ नहीं मतलब यहाँ पे वन। अब ध्यान देना ये जो थीटा जीरो दिया ना ये कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल टर्म, ये कांस्टेंट है, अब देखना इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे, ये वेरिएबल है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा वन, ऊपर है ये कांस्टेंट है डेरिवेटिव क्या आएगा जीरो, सो वन माइनस जीरो वन ही आता है ना, समझो ऐसे दिया होगा कि एक्स प्लस समझो फाइव, ये आपका थीटा है ये थीटा जीरो है, इसका डेरिवेटिव वन इसका जीरो, तो वन ऊपर है तो लॉग यूज कर सकते हो ना, कोरोलरी लॉग थीटा माइनस थीटा जीरो माइनस के इसका क्या आता है टी प्लस सी, पता इजी लग रहा है, ओके लिखो कॉपी करो, ठीक। क्वेश्चन थ्री, अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी सेपरेट है, डी वाई और डी एक्स सेपरेट है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ इसको इस तरफ लेके आता हूँ dx वाले टर्म को पूरा इस तरफ, तो ये x square minus y x square ये dy is equal to ये प्लस में है ना इस तरफ माइनस ये y square plus x y square dx, सोचना dy के साथ सब y वाले टर्म है नहीं, ये x square नहीं चाहिए मुझे तो कॉमन निकालो, पहले कॉमन निकाला क्या बचेगा ये 1 minus y ये dy, ओके बाद में यहाँ पे y स्क्वायर कॉमन आएगा सेम ना, x ही चाहिए मुझे सिर्फ y स्क्वायर कॉमन, तो ये वन प्लस x और ये dx, ठीक है ये अपनी जगह पे बराबर है dx के साथ, ये नहीं चाहिए ये इसके नीचे जाएगा, सिमिलरली x स्क्वायर इस तरह आएगा, ठीक है क्लियर, ओके सो 1 माइनस y अपॉन y स्क्वायर ये dy इज इक्वल टू ये माइनस 1 प्लस x अपॉन व्हाट x, very good, x square ये, yes, okay, अब integrate करेंगे दोनों का, integrating both the side, ठीक है, integrate करने के बाद ऐसा दिखेगा, integration of 1 minus y upon y square dy, और minus बाहर रखता हूँ integration 1 plus x upon x square dx, so sir, इसका integration कैसे निकालोगे, क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव ऊपर, इसका डेरिवेटिव 2 आता है ना, 2
वाई नहीं है, वन माइनस वाई ऐसा कुछ नहीं, सेपरेट करो ऐसे लिखो, ये वाई स्क्वायर वन के भी नीचे वाई स्क्वायर वाई के भी नीचे, तो पहले सेपरेट करो, इंटीग्रेशन नहीं आया तो वन अपॉन वाई स्क्वायर वाई अपॉन वाई स्क्वायर, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, सेपरेट कर रहा हूँ, ये डी वाई है ओके माइनस, सिमिलरली यहाँ पे वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डी वाई ठीक है, इसमें y और इसका स्क्वायर गया, इसमें x और इसका स्क्वायर गया ओके, तो जितना पार्ट बच रहा है वो आराम से लिख लो, वन अपॉन वन ये डी वाई माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स और ये डी एक्स, अब आराम से बताना कि वन अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, एग्जैक्टली माइनस वन अपॉन वाई ओके, जैसे कि 1 अपॉन x का डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर आता है, तो 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x होना चाहिए, ये डेरिवेटिव ऐसे आता है ना इस तरफ, तो इंटीग्रेशन इस तरफ जाएगा, समझ में आया, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा तो माइनस इसको दे दो, क्लियर, तो सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस y हो जाएगा, समझ में आया, हाँ 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन तो log y हो जाएगा, ये पता है इज इक्वल टू ये माइनस रखता हूँ और ब्रैकेट में ही सॉल्व करता हूँ क्योंकि आगे माइनस है, इसका भी सेम माइनस वन अपॉन एक्स इसके जैसा ओके, और ये प्लस लॉग एक्स ओके, आगे प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अब ये ब्रैकेट ओपन करो, माइनस वन अपॉन वाई ये माइनस ही है ना, माइनस लॉग वाई ये मॉड हटा दो अभी चलेगा, लॉग वाई माइनस माइनस ये प्लस वन अपॉन एक्स और प्लस प्लस नहीं ये माइनस लॉग एक्स और ये प्लस ठीक है, ये प्लस लॉग एक्स को माइनस लॉग एक्स को मैं उस तरफ लेके जाता हूँ प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे लॉग एक्स उसके साथ माइनस लॉग वन ठीक है, ये वन अपॉन एक्स लिख दिया, ये माइनस वन अपॉन वाई को इस तरफ लेके जाता हूँ प्लस वन अपॉन वाई प्लस सिक्स का टर्म, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, लॉग एक्स अपॉन वाई लिखोगे एम माइनस एन का और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पर जरूरत नहीं इतना इनफ है, इसके ऊपर भी मार्क्स मिलेंगे ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, अब इसमें दो दो डीवाई बाई डीएक्स, ये भी डीवाई बाई डीएक्स है ये भी डीवाई बाई डीएक्स, डायरेक्ट सेपरेट मत करना, ऐसे सेपरेट नहीं करना है क्योंकि दो है यहाँ, तो सिंपली टैप करो इसको उठाओ इस तरफ लेकर, तो ये वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स डीवाई बाई डीएक्स वो माइनस डी वाई बाई डीएक्स है ना, इस तरफ प्लस डी वाई बाई डीएक्स, क्लियर, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी बोल सकते हो, मैं क्या करूंगा कॉमन ओके, तो एक्स प्लस ये एक्स है और यहाँ पे इसके जगह वन समझा, और आगे डी वाई बाई डीएक्स, समझ में आ रहा है, अब इसको सेपरेट करो, इसको सेपरेट करो डीएक्स को उस तरफ लेके जाओ, सो वाई क्यूब इंटू ये डी एक्स और ये एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई, सोचो डी एक्स के साथ एक्स वाला टर्म नहीं है ये इस तरफ आना चाहिए, सिमिलरली डी वाई के साथ वाई वाला टर्म नहीं है ये उस तरफ जाना चाहिए, तो एक्सचेंज करो, ये एक्स प्लस वन है उस तरफ गया तो वन अपॉन एक्स प्लस वन और ये डी एक्स, ये इस तरफ आने के बाद डी वाई ठीक है, अब इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, इंटीग्रेशन करके ऐसा लिखेगा इज इक्वल टू वन अपॉन वाई क्यूब डी वन ओके, अब ध्यान रहे इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं लिखा सकते, जैसे वन अपॉन वाई स्क्वायर का बोला वैसे नहीं हो सकता, तो इसको सिंप्लीफाई करो, करो ऐसे कर सकते हो वाई टू माइनस थ्री ओके, और ये डी वन ये समझ में आया माइनस थ्री कैसे ऊपर लेके गया ओके, यहाँ पे भी मैं इंटीग्रेशन नहीं निकाल रहा हूँ, एक साथ निकालेंगे इंटीग्रेशन ठीक है, अब इंटीग्रेशन निकाल इसका वो इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग एक्स प्लस वन ओके, इसका क्या आएगा वाई रेस टू एन प्लस वन करते हो ना, तो माइनस थ्री प्लस वन और यहाँ पे भी माइनस थ्री प्लस वन प्लस, समझ रहा है ठीक है, अब देखो लॉग ये एक्स प्लस वन एज इट इज लिखता और ये लॉग रेस टू कितना आएगा माइनस टू अपॉन ये माइनस टू प्लस ओके, माइनस टू इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो इसके साथ होगा ना ओके, अगर कॉन्स्टेंट नंबर होगा तो कर लो ये मल्टीप्लीकेशन,
सो ये y रेज टू माइनस टू, इसके साथ माइनस टू मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू सी डिवाइडेड बाई माइनस टू, यहाँ तक रखोगे चलेगा आंसर, मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ओके ये समझ में आया। ठीक है, अब माइनस टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में, इस तरफ भेज दो उसको, सो ये माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन, ओके यहाँ पे क्या बचेगा वाई रेज टू माइनस टू, और ये जो टू सी है ना ये दो पूरा कॉन्स्टेंट ही है ना, टू भी कॉन्स्टेंट सी भी कॉन्स्टेंट माइनस भी सब कॉन्स्टेंट का टर्म है, ठीक है ये कॉन्स्टेंट है, तो मैं ओवरऑल इसको प्लस सी वन लिखता हूँ, मतलब दूसरा कॉन्स्टेंट लिख दिया, ठीक है अब मैं माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन और ये वाई स्क्वायर को वन अपॉन वाई स्क्वायर, और ये सी मैंने यहाँ पे क्या किया माइनस टू सी के जगह सी वन लिख दिया, बस ऐसा कर सकते हो, कब कर सकते हो अगर ये पूरा कॉन्स्टेंट होगा, बट अगर समझो यहाँ पे ऐसे आता है एक्स सी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके जगह कॉन्स्टेंट नहीं लिख सकते, डिफरेंस समझ में आ रहा है, ओके देखो क्वेश्चन टू रीड करो, देखो क्वेश्चन टू में दिया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अरे पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब उनको एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए, सी के जगह भी कुछ नंबर चाहिए, जैसे आप हम अब तक लिख रहे थे सी, तो हमें नहीं पता है कि सी के जगह क्या हो सकता है, तो सी के जगह भी नंबर चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने देखो क्वेश्चन कैसे दिया है, एक्स और वाई की वैल्यू साइड में लिखी है, जैसे कि क्वेश्चन वन ये दिया है एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये डी वाई इज इक्वल टू जीरो इतना दिया है, और वो बोल रहे एक्स इक्वल टू टू मूव करना है और वाई इज इक्वल टू जीरो, सोल्यूशन आने के बाद अभी भी अभी पुट करोगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा, ओके इंटीग्रेशन में ही मिलेगा भाई, सोल्यूशन आने के बाद एक्स इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू जीरो दिमाग में रखना, पहले तो ये दोनों सेपरेट है, इसको क्या करो इस तरफ ले गया जीरो की तरफ, ओके तो ये एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये इस तरफ आने के बाद पॉजिटिव बन जाएगा वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, ये समझ में आया, देखो डी एक्स के साथ एक्स वाले टर्म सब नहीं है, ये वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, ओके बट मैं वाई स्क्वायर कॉमन नहीं निकाल सकता, मैं इसमें से एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है तो एक्स कॉमन निकालो ये वन माइनस वाई स्क्वायर, ये समझा, सिमिलरली यहाँ से कौन कॉमन आएगा वाई, तो ये वाई कॉमन आया तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, के साथ वाई करेक्ट है ये नहीं चाहिए, ये इस तरह जाके एक्स को डिवाइड करेगा, ठीक है तो ये एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह डी है, सिमिलरली ये इस तरह आके वाई को डिवाइड करेगा, तो वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, ये समझा, अब इंटीग्रेट करो, बस यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो इंटीग्रेटिंग टू द साइड, ये लिख सकते हो ना, इंटीग्रेट करने के बाद एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इंटीग्रेशन वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, सोचो आराम से सोचो इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर है वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर का टू एक्स आता है, तो ऊपर x है 2x नहीं है, तू ला सकता हूँ मैं खुद से ला सकता हूँ ना, आराम से ला सकता हूँ, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये ऐसा है ना, ओके चलो इसका डेरिवेटिव 2x है ना, मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, बट मुझे यहाँ पे इस तरफ भी 1 अपॉन 2 लिखना पड़ेगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, सिमिलरली ये y 1 माइनस y स्क्वायर dy, इसका डेरिवेटिव माइनस 2y, इसका डेरिवेटिव माइनस टू आया तो ये माइनस टू और ये माइनस वन बाय टू, समझ में आया, सो वन बाय टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, ओके समझ में आया, हाँ और ये माइनस वन बाय टू यहाँ पे लॉग वन माइनस वाई स्क्वायर, आगे प्लस लॉग का क्यों आया पता है ना, डेरिवेटिव होगा तो कोरिलेट लगते ये माइनस से उस तरह उठा के प्लस कर वन बाय टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ये प्लस हाफ लॉग वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इस तरफ सी बच, अब वन बाय टू कॉमन निकल सकते हो,
तो 1 by 2 common निकाला, the log 1 plus x square plus log 1 minus y square, ठीक है, ये bracket में रख दो, is equal to 6, ये 1 by 2 common है, ठीक है, log क्या कहता है, अंदर log में addition करोगे, तो इसका मतलब multiplication होता है, log n plus log n, तो ये 2 भी इस तरह लेके आओ, उसी करो, divide by 2 है ना, इस तरफ 2 0 और यहां पे मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिखेगा 1 plus x square into 1 minus y, ये log है, पूरा log है, समझ में आया, log m into m, और इस तरफ क्या आया, 2 c, तो अभी मैंने बताया था कि 2 c के जगह क्या लिखोगे अभी, c1, very good, c1, समझ में आया, log 1 plus x square, पर ये सॉल्यूशन हुआ मेरा, पर मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, इसके लिए उन्होंने x की वैल्यू क्या दी है, x की जगह 2 है, सच में x 2 है, y 0, x 2 y 0, ये पुट करना, ठीक है, तो आप लिखते हैं अच्छे से, when x equal to 2 और y is equal to 0, ओके, तो x की जगह 2 पुट करो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, log 1 plus 2 का स्क्वायर 4, और ब्रैकेट में यहाँ पे y के जगह 0 पुट करोगे तो 1 minus 0 ना, इस तरफ कौन है, c1, इसको सॉल्व करो, 1 plus 4 5, 5 into 1 5 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, log 5, और ये c1, ये c1 की वैल्यू बन गई log 5, ठीक है, इसको बॉक्स करके रख, और इसको इक्वेशन 1 देगा, क्योंकि यही मेरा सॉल्यूशन है, इसमें मुझे क्या नहीं पता है, सिर्फ c1, सीमन पता चला ना, तो आंसर मेरा ऐसे बन गया, log 1 plus x square 1 minus y square bracket में, और c1 के जगह log 5, समझ में आया, हाँ, दोनों तरफ log है, मतलब ये दोनों इक्वल है, कट नहीं होता, ये कैंसिल मत करना, ऐसे नहीं होता है, कंपेयर कर रहे हैं, ये log है और ये term है, equal to ये log ये term, मतलब this equal to this, तो मैं बोलूँगा 1 plus x square into 1 minus y square is equal to 5. This is my particular solution. Question 2 में 2. ये दिया है, x plus 1 dy by dx minus 1 is equal to e raised to minus 1. Minus 5 था, उसके जगह हमने minus y लिख दिया, incorrection. और x की value, y की value 0, x is equal to 1. y 0, x equal to 1. वो बात है, मुझे कर रहे हैं. पहले तो dy by dx को separate कर रहे हैं, पर इस 1 के वजह से मैं नहीं कर सकता. तो पहले माइनस वन को इस तरफ लेके आओ प्लस वन, तो ये एक्स प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू ई रेस टू माइनस वाई और ये प्लस वन, समझा है, ठीक है, अब सेपरेट करो डी एक्स को इस तरफ लेके आओ, एक्स प्लस वन डी वाई सेपरेट किया मैंने टू ई रेस टू माइनस वन प्लस वन ब्रैकेट करके एक्स, dx के साथ y वाला टर्म है, ये नहीं चलेगा, x वाला नहीं है ना, तो ये सीधा इस तरफ जाएगा नीचे, और x को इस तरफ लेके आओ x plus 1 को, तो ये ऐसा लिखेगा 1 upon 2 e raised to minus y plus 1 और ये dy is equal to 1 upon x plus 1 dx, अब इंटीग्रेट करो x plus 1 sorry 1 upon 2 e raised to minus y plus 1 dy integration of 1 upon x plus 1, okay, इसका integration, इसका derivative भी ऊपर नहीं है, but अगर मैं इसको solve कर रहा हूँ, जैसे कि e raised to minus y, minus power मतलब ये नीचे जाएगा, plus power में आएगा, और उसमें से solve करता हूँ तो ये corollary बन जाएगा, देखो बताता हूँ मैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 अपॉन e रिस्ट टू y प्लस 1, ये समझ में आया होगा, ओके, ये साइड में बाद में लिखता हूं, पहले ये समझो, ये क्लियर है, हां, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 अपॉन 2 प्लस e रिस्ट टू y, और डिनोमिनेटर में भी e रिस्ट टू y dy, ये समझा, ठीक है, e रिस्ट टू y अब ऊपर जाएगा, उल्टा होता है ना, ऊपर जाएगा, तो e रिस्ट टू y अपॉन 2 प्लस ए रेस टू वाई, अब देखना इसका डेरिवेटिव जो है, इसको अच्छे से लिखा, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, 2 का तो 0 हो जाएगा, ये साइड अब लिख कम है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx
इंटीग्रेशन एक साथ इंटीग्रेशन निकालना चाहता हूँ, इसके वजह से मैंने इसको कॉपी किया। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? log 2 plus c raise to 1, और इसका इंटीग्रेशन log x plus 1 और आगे प्लस, ये c की वैल्यू मुझे निकालना है। ओके, उसके लिए उन्होंने वैल्यू दी है, पर पहले मैं इसको उठा था उस तरह ले गया था, तो ये log 2 into e raise to 1 upon x plus 1 is equal to c। बोलो x के अलावा क्या लिखना है? x की वैल्यू x is 1 और y is equal to 0। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं log 2 e raise to y, y के जगह 0 ना, तो e raise to 0 upon 1 plus 1 ना is equal to s log। simply देखो 2 e raise to 0 क्या आता है? anything raise to 0, 0 1 आता है। ओके, और डिनोमिनेटर में 2 प्लस 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू c, तो ये log 3 by 2 दिख रहा है। ओके, कांस्टेंट नंबर है तो ऐसे ये समझ में आया, ठीक है। इसको कहां पे पुट करना है? इसको, ये इक्वेशन 1, यही मेरा सॉल्यूशन है ना, तो ये log 2 e raise to 1 upon x plus 1 is equal to c के जगह क्या आएगा? log 3 by 2। ओके, कंपैरिजन करो, log log सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे। ठीक, सो 2 plus e raise to 1 upon x plus 1 is equal to 3 by 2, खत्म। सिंपलीफाई कर सकते हो, पर जाने दो, मार्क्स मिलेगा, जैसे कि 2 into 2 4, 2 into e raise to y, और ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई है, बाद में एक लीनियर में जाने दे, इतना जल्दी तो नहीं करना है, बस काफी। ओके, क्वेश्चन 3 ये भी है, और इसमें x के जगह e और y के जगह e स्क्वायर पुट करना है, वो बाद में लिखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं इसको वेरिएबल सेपरेट। ये इस तरफ आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि मुझे डिवाइड बाय dx सेपरेट करना है, तो 1 plus log x ये d, सॉरी dy by dx नहीं है, dx अपॉन dy है, और ये x log x प्लस आए इस तरफ आके प्लस। ओके, इस तरफ dy आएगा और dx उसी तरफ रहेगा, तो 1 plus log x into dx और ये x log x into dy। dx के साथ ये वाला x का टर्म है, ये नहीं चाहिए, तो ये इस तरफ आएगा, और dy के साथ ये दोनों भी उस तरफ आएगा, समझ में आ रहा? ओके, तो ये 1 plus log x upon x log x और ये dx, ये समझा? और इस तरफ क्या लिखोगे? 1 upon y dy। अब इंटीग्रेशन निकालो, सिंपल है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड करोगे तो 1 plus log x और x log x ये dx is equal to integration of 1 upon y dy। एकदम इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, u into v अप्लाई करोगे तो बता रहा हूं, जैसे u डेरिवेटिव ऑफ v, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन, बाद में v log x और x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, समझ में आया? तो x x कैंसिल, 1 plus log x ऊपर है ना। ओके, तो इसका आंसर कोरोलरी के हिसाब से आएगा log mod में x log x, समझा? और यहाँ पे भी कोरोलरी के हिसाब से log mod में y plus c, ठीक है? ये उस तरफ लेके गया, तो log x log x, अब ये mod हटा दो के चलेगा, minus log y is equal to c। log का रूल कहता है अगर log m minus log n हुआ तो log m upon n लिख सकते हो, एक ही बार में log लिख दो ये वाला, और ये x log x upon y लिख सकते हो। ओके, इज इक्वल टू c, ठीक है? अब मुझे बताओ x के अलावा क्या पुट करना है? व्हेन x इक्वल टू e और y इज इक्वल टू e का स्क्वायर e स्क्वायर, तो log x के अलावा मैंने e पुट कर दिया, फिर से log x के अलावा e पुट कर दिया, और यहाँ पे e स्क्वायर इज इक्वल टू c। ध्यान से देखना, ये log e का वैल्यू 1 होता है, log e मुझे पता है 1, और यहाँ पे e और इसका स्क्वायर का स्क्वायर तो गया है, तो सिंपल बचेगा
सी इज इक्वल टू ये लॉग बचेगा ये डी है ओके इसके अलावा क्या आएगा वन और अपना सी की वैल्यू मेरा सॉल्यूशन क्या था ये एग्जैक्टली जो जहाँ पे पुट करते ना उसके ऊपर सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन है इसमें वैल्यू पुट करो इक्वेशन वन लिख दो और यहाँ पे लिख दो पुट सी इज इक्वल टू लॉग वन अपॉन ई ये मैंने अभी तो मेंशन नहीं किया था ना डायरेक्ट पुट कर रहा था ये इक्वेशन वन ठीक है आपके हिसाब से लिख सकते हो द लॉग ऑफ एक्स लॉग एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू सी के जगह क्या आएगा लॉग वन अपॉन ई ठीक है कंपैरिजन करो ये लॉग लॉग सेम है तो ये भी इक्वल होगा तो एक्स लॉग एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन ई ठीक है ऐसे देख सकते हो यहाँ पे सिंप्लीफाई करो ई को यहाँ पे मल्टीप्लाई वाई को यहाँ पे तो ये इजीली सिंप्लीफाई हो रहा है इस वजह से मैं कर रहा समझा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 8.3 का लास्ट क्वेश्चन ठीक है इसमें x के जगह क्या पुट करना है y is equal to 1 x equal to 0 वो बात मैंने हम अभी तक क्या कर रहे हैं dx को इस तरफ लेके आ रहे हैं सिंपल ट्राई करके देखते हैं अगर मैं dx को इस तरफ लेके आता हूं तो ये ऐसा दिखेगा ओके अब बताओ x dx के साथ सब x वाले टर्म है ये y नहीं चाहिए तो y को उस तरफ भेजना पड़ेगा पर यहाँ पे y जो है ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई है तो उस तरफ जाके इन सबको लेके जाएगा वो डिनोमिनेटर में तो जो x उस तरफ नहीं चाहिए वो भी जाएगा समझ में आ रहा है तो इस केस में क्या बोलना चाहता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ ना कि वेरिएबल सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल वेरिएबल को सेपरेट कर इस केस में नहीं होता है इस क्वेश्चन में कितना भी ट्राई करो वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते समझ में आया ओके तो मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन एड इट इज रेंज अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये क्वेश्चन एक्चुअली नेक्स्ट एक्सरसाइज में होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा मैं क्या कर रहा हूँ ये गड़बड़ कर रहा है ना इसके जगह में 4x plus y plus 1 इसके जगह में t पुट कर देता हूं ठीक है अब इसका डेरिवेटिव निकालता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा 4 y का क्या आएगा बोलो dy by dx और y का 0 मत लिखना तो dt dx का क्या आएगा dt upon dx ओके 4 को इस तरफ लेके आ तो dy by dx is equal to dt upon dx minus 4 ओके अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ जहां पे मुझे 4x plus y दिखेगा वहां पे मैं t चुन रहा हूँ ज्यादा क्लियर है और जहां पे मुझे dy by dx दिखेगा उसके जगह में dt upon dx minus 4 पुट करूंगा तो क्वेश्चन चेंज हुआ तो क्वेश्चन कैसे दिखेगा dy by dx की जगह dt upon dx minus 4 ठीक है इज इक्वल टू इसके जगह क्या पुट करना है t समझ में आया तो dt upon dx ये माइनस फोर इस तरह आके t प्लस 4 ओके मुझे नहीं समझ आया अब dx को इस तरफ लेके आओ तो dt इज इक्वल टू t प्लस 4 ये dx ये x वाला टर्म है ये x के साथ नहीं ये इस तरफ जाएगा ना सो 1 अपॉन t प्लस 4 dt और ये अकेला रहेगा यहाँ पे dx इंटीग्रेट करो इंटीग्रेट करोगे 4 dt और ये इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखूंगा कुछ नहीं है मतलब समझा इसका इंटीग्रेशन आराम से बता सकते हो log t plus 4 ओके और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x आगे प्लस c अब उन्होंने वैल्यू नहीं हाँ वैल्यू y की दी है t की नहीं तो t के जगह फिर से जाओ और ढूंढो t क्या पुट किया था हमने 4xy plus 1 तो t के जगह 4x plus y plus 1 plus 4 और इज इक्वल टू x plus c समझा ये t के जगह इतना ही है मैंने 4 कॉपी किया तो लॉ 4x plus y plus ये 5 और ये x plus c हाँ वैल्यू ऑफ पुट करो when x is equal to x कितना दिया 0 and y is equal to 1 तो यहाँ पे x के जगह 0 पुट करो ये 0 बन जाएगा
y देगा 1 और आगे कौन है 5, ये भी x देगा 0 प्लस 6, तो ये log 6 1 रहेगा, 1 प्लस 5 मतलब 6, log 6 is equal to c, कौन सा इक्वेशन होगा हमारा, ये सॉल्यूशन है, इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं, ओके तो इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर 2 दिस वाइज वेरी इक्वेशन है जैसे भी हो, ओके ये log 4x plus y plus 5 is equal to x और c के जगह plus log 6, ओके इसको सिंपलीफाई कर सकते हो log 6 सॉरी log 6 ये प्लस में इस तरह जाते माइनस नहीं सकते, प्लस में इस तरह जाते माइनस, तो log 4x plus y plus 5 minus log 6 is equal to x, ओके ये मॉड में लिखो ये चलेगा ऐसे करोगे चलेगा, ओके तो log 4x minus y plus 5 divided by 6 हो जाएगा, नहीं समझा 4x plus y plus 5 divided by 6 n minus n वाला भी is equal to x,